इज वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज मैं आप लोग साथ ना फेसिस कैनेडा की नो ट्रांसफर मैट लिपस्टिक का रिव्यू करने वाली हूँ यू कैन सी लिपस्टिक है फ्रॉम फेसिस कैनेडा एंड दिस इज न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एंड ऑबली इसमें पंद्रह शेड आप मिल जाते हैं आपको लेकिन मैंने इसमें एक ही पिक किया अपने लिए बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मैनी लिपस्टिक्स इन माई कलेक्शन तो मुझे क्या जरूरत है बट हाँ फॉर्मूला ट्राई करने के लिए रिव्यू करने के लिए फॉर्मूला एंड uh, जो टेक्सचर होगा वो तो सब में सेम होगा शेड्स आपको अलग अलग मिल जाते हैं है ना तो मैंने अपने लिए एक ही शेड पिक किया था फेसेस कनाडा का नो ट्रांसफर मैट लिपस्टिक में जिसकी एमआरपी है फोर नाइन नाइन एंड ये शेड है साइलेंट स्टॉकर जीरो फाइव एंड तीन साल की शेल्फ लाइफ मिल जाती है थ्री पॉइंट फाइव एम mm. एल प्रोडक्ट की आपको क्वांटिटी मिल जाती है ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको मिलता है गोल्डन कलर की एंड इस तरह की आपको आ, बहुत ही अच्छी एक स्लीक सी पैकेजिंग मिलती है स्लीक तो नहीं है बिकॉज बल्कि है क्योंकि जितना प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं कितना है इसमें एंड बाकी की प्लास्टिक ऐसे ही लगाई हुई है ठीक है तो कुछ इस तरह की आपको आउटर पैकेजिंग इसकी मिल जाती है और इसकी अगर स्पैचुला की बात करूँ अच्छा फेस स्कैनर के लिपस्टिक्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है ओ माय गॉड लेट मी शो यू यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह का लेट मी शो यू कुछ इस तरह का आपको इसमें ये इसका एप्लीकेशन uh, मिल जाता है एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसमें यू कैन सी पिगमेंटेशन बहुत बॉम्ब मतलब बोलते हैं ना वो वाली बॉम्ब डॉट कॉम वो वाली इसकी पिगमेंटेशन है ये बहुत ज्यादा ड्राइंग लिपस्टिक लिपस्टिक है, है, बहुत ज़्यादा क्रैकी या वाली नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्राइंग है आपको अपने लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा स्क्रब करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने से पहले ठीक है बहुत अच्छे से ये, कैन यू सी दैट थोड़ी सी स्टिकी रहती है ठीक है मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है लेकिन हाँ अभी तक मेबलिन से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है जो मेबलिन की फैले वाला फॉर्मूला था ना मैट इंक वाला उससे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला इनका कंफर्टेबल है ठीक है ये शेड मैंने लगाया हुआ है आइडिया हो जाएगा बिकॉज बिल्कुल अभी मेरे फेस के ऊपर कोई ज्यादा मैंने मेकअप भी नहीं किया है जस्ट मैंने स्टूडियो फिक्स अपना मैका लगाया हुआ है उसके अलावा मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं अप्लाई किया है तो मेरी स्किन के ऊपर ये आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई मैंने किया था दो तो कैसा लग रहा है एंड uh, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है बिकॉज मैंने एक ही कोट अप्लाई किया है डबल कोट मैंने अप्लाई नहीं किया है एंड अगेन ए लिक्विड लिपस्टिक है तो लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज तो करना ही पड़ता है ये बिल्कुल 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 ट्रांसफर प्रूफ है यू कैन सी ऑब्वियसली नो ट्रांसफर मैट लिपस्टिक है गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया है हाँ लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो तो ये बीच में से निकल जाएगी एज यूजल जो भी लिक्विड लिपस्टिक के साथ होता है सो so, एनीज आपको इसमें बहुत अच्छे 15 शेड्स मिल जाते हैं प्राइस पॉइंट इज ठीक ठाक सा 20 परसेंट अभी ऑफ आपको मिल जाएगा शायद जब तक ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ या वो कम हो जाएगा ठीक है बाकी आज अगर मैं बात करूँ टूडे इज सिक्स ऑफ मार्च तो आज मैंने इसके ऊपर देखा तो नायका के ऊपर ट्वेंटी ऑफ़ इसके ऊपर लगा हुआ है बाकी आपको समटाइम्स ऑफर अच्छे से मिल ही जाते हैं ठीक है काफ़ी अच्छी लिपस्टिक हैं हाईली हाईली पिगमेंटेड हैं लिपस्टिक ये लिक्विड लिपस्टिक है ड्राई होती है लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है बहुत अच्छे से आठ दस घंटे आपके लिप्स के ऊपर बहुत अच्छे से टिकी रहती है जब तक आप अनटिल अनलेस आप बहुत भरा हुआ ऑयल वाला फूड नहीं खाते हो तो उसके बजाई बहुत अच्छी से स्टेक करती है सो so, काफी अच्छा है शेड ये भी साइलेंट स्टॉकर लेकिन आ, स्क्रीन के ऊपर मैं डाल दूंगी जो ये एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर लग रहा था नायका के वेबसाइट के ऊपर वो शेड कुछ मॉवी सा था लेकिन अगर मैं आ, ऐसे लाइक इन फ्रंट ऑफ माय आईज़ ये शेड रेड है यू कैन सी एक ब्लड रेड शेड है सो आई एम नॉट हैप्पी विद द शेड बिकॉज़ मुझे ये शेड नहीं चाहिए था जो शेड मुझे चाहिए था वो स्क्रीन के ऊपर लग रहा था वो शेड मुझे चाहिए था लेकिन एक्चुअल में ये मुझे मिला है ये शेड ठीक है मेरे लिए क्वालिटी क्वांटिटी इज़ सो गुड अबाउट अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट ठीक है बट शेड मुझे पसंद नहीं आया है बाकी पिगमेंटेशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो डेफिनेटली आपको ये आपके लिप्स के ऊपर बहुत शेड अच्छा लगने वाला है लिप्स के ऊपर नहीं मतलब आपकी यू कैन ट्राई दिस शेड साइलेंट स्टॉकर एनी वेज अगर आपको ये मिनी सा रिव्यू बहुत ज्यादा बढ़िया लगा है हेल्पफुल रहा है देन देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो देन दैन बाई एंड टेक केयर